से भड़काऊ बयान देने वालों की एक बहार सी आ गई है। ऐसे कई सारे मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए नेता हैं जो इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वजह क्या है? क्या राम मंदिर को लेकर, क्या ज्ञानवापी में हो रहा है सर्वे को लेकर, या जो सबूत मिल रहा है उसको लेकर ये कुंठा है, या फिर 2024 के इलेक्शन को लेकर ये सारी चीजें प्लांड तरीके से की जा रही है, या फिर ये सब चीजों का कॉकटेल है जो इतनी नफरत जो है वो उगली जा रही है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ श्रीराज नायर जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती जुड़ गई हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ दीपा शर्मा जुड़ गई हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी जी जुड़ गए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत मैं अजहरी जी आप ही से करता हूँ। आप करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। सर कौन सा शोर आएगा और ये कौन सी खामोशी की बात कर रहे हैं? पहले आप ये बताइए, उनकी पूरी तकरीर में हिंदू धर्म का नाम कहां पे? उन्होंने कहा कि आज फला, मतलब उन्होंने कहा हुकूमत है या उन्होंने कुछ भी लिया ना, आपत्तिजनक बात कही, तो ये आप कह सकते हैं कि भारत में हिंदुओं की हुकूमत है? अच्छा, ये क्या आपने जिस तरह से उनके बयान को लिया है, क्या ये साबित कर सकते हैं कि भारत में हिंदुओं की हुकूमत है? देखिए, तो मतलब आप ये मानते हैं कि उन्होंने जितनी बातें कही वो हिंदुओं को लेकर कही, मतलब आप ये खुलकर? बिल्कुल नहीं, उनका बयान जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, उनका बयान फिलिस्तीन के मामले में चल रहा था, उनका बयान फिलिस्तीन को लेकर के चल रहा था, उन्होंने फिलिस्तीन और इसराइल के ताल्लुक से बोला था, लेकिन आपने उसको हिंदू धर्म के खिलाफ समझ करके उन्हें आपने गिरफ्तार कर लिया। पहले तो ये कि ये भाषण क्या फिलिस्तीन में दे रहे थे क्या? दूसरा ये क्या भाषण क्या फिलिस्तीनियों के सामने दे रहे थे क्या? तीसरा ये कि भारत सरकार का स्टैंड फिलिस्तीन और इसराइल के युद्ध में क्या क्लियर नहीं है क्या मौलाना साहब को? और आप साबित कर पाएंगे कि वो ये सारी बातें हिंदुओं को लेकर नहीं कह रहे थे? आप मुझसे जो पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि भारत सरकार को लेकर ये कहा, आप साबित कर पाएंगे कि भारत सरकार के लिए या हिंदुओं के लिए नहीं था? आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। उन्होंने के ये किसके सामने बोल रहे थे, क्या फिलिस्तीन में बोल रहे थे, ये बातें आपकी आपकी बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल खराब है। चूंकि अच्छा। फिलिस्तीन को लेकर के जिस तरह से फिलिस्तीन के मुसलमानों को मारा गया है, जिस तरह से वहां अत्याचार हुए हैं, उसके उसके खिलाफ जो मुसलमानों में रोष था उस पर वो सिर्फ बात कर रहे थे। अच्छा, हालांकि उनको इस तरह के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए होते हैं। जैसे उन्होंने सुन ले, अब आपने बुलाया तो मुझे अजहरी साहब आप ही को तो जवाब देना है, जवाब तो आप ही को देना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की किचन कैबिनेट में गिरिराज सिंह है, रोज मुसलमानों को गालियां देते हैं नाम लेके। संजय निषाद ने खुल करके मुसलमानों को गाली दी, जो उत्तर प्रदेश काबीना के मंत्री हैं। अच्छा। यति नरसिंहानंद एक साधु बाबा है, वो रोज इस्लाम के पैगंबर मुसलमानों को देते हैं गाली, कभी एटीएस उन लोगों को लेके उठा के। अच्छा, पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। चलिए ठीक है, ये सवाल आपके मैं एज इट इज टॉस कर दूंगा, जो जिम्मेदार व्यक्ति है। मुझे एक चीज बताइए अजहरी साहब, आपको ये पता है कि ये जो सलमान अजहरी साहब थे, आपके शब्दों में मौलाना साहब, ये कहां भाषण दे रहे थे? चलिए मैं बताता हूं आपको, ये जूनागढ़ में भाषण दे रहे थे। आपसे 7 महीने पहले क्या हुआ? अरे अजहरी साहब सुन तो लीजिए, अजहरी साहब देखिए फिर इस तरह से बातें नहीं हो पाएंगी, सुन तो लीजिए। 7 महीने पहले जूनागढ़ में क्या हुआ आपको पता है? सांप्रदायिक हिंसा में पुलिसकर्मी मारे गए थे, क्या हुआ था वहां पर? और इस तरह की भाषा, इस तरह की शब्दावली अगर वो जूनागढ़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या संवेदनशीलता को नहीं समझते कि कैसे लोग आज भड़काने की कोशिश करें इसी सांप्रदायिकता के नाम पर? आप फिलिस्तीन का कहकर बचाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? अरे भाई, फिलिस्तीन का ही मामला था वहां पर, आप पूरी जानकारी लेना। अच्छा, आपने तो इमरजेंसी से बुरे हालात कर रखे देश के, इमरजेंसी से बुरे हालात कर रखे देश के, क्या कह रहे हैं आप? दाढ़ी टोपी वाला है उसका, उस पर अजहरी साहब इमरजेंसी में क्या हुआ था देश में? आप बोल नहीं पाते टीवी पर ऐसे बैठकर, अगर इमरजेंसी होती तो शायद आप सलाखों के पीछे होते। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको मतलब पता होना चाहिए पहले। ये तरीका बात करने का नहीं है साहब। अच्छा चलिए रुकिए एक मिनट, श्रीराज जी एक तरफा, श्रीराज जी ये बातें क्या से फिलिस्तीन को लेकर कही गई क्या? यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है एक मिनट अजहरी साहब, श्रीराज जवाब दे रहे हैं, श्रीराज जी प्लीज, ये फिलिस्तीन को लेकर कही क्या सारी बातें? सर देखिए ये कितनी मूर्खता भरी बात है, फिलिस्तीन जो है 4000 किलोमीटर दूर है, वहां पर ये भाषण दे रहे थे जूनागढ़ में। जूनागढ़ के बादशाह जो थे सुल्तान, जो 1947 में
जो जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे उनके वही लोग वहां पर बैठे थे और उनके सामने ये मौलाना जो भी बकैती कर रहे थे। फिलिस्तीन इनका कौन लगता है? और ये मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं, केवल ये मौलाना नहीं, इसके अलावा तौफीक रजा, ओवैसी, ऐसे ये तमाम मुल्ला मौलाना ने इस प्रकार से फालतू बकैती करनी शुरू कर दी है। अगर ये सोचते हैं कि इस प्रकार से बकैती करने से कुछ होगा तो ये कांग्रेस इस प्रकार का ये कांग्रेस का राज नहीं है, ये 2024 का यहाँ हिंदू है। यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की सरकार है और जो मौलाना यहाँ मुंबई के हैं उनको भी मालूम होना चाहिए यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ के होम मिनिस्टर है और ये इस प्रकार से देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये मौलाना तो जो है बकैती करके चले जाएंगे। हाँ। इनकी कौम में इन्हीं के रहनुमा इन्हीं के नेता कहते हैं सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट्स है, सबसे ज्यादा मुफलिसी है, बेरोजगारी है, अनपढ़ है। हाँ। ये अनपढ़ आवाम के सामने इस प्रकार से तकरीरें करके आपके पास पूछता हूँ अजहरी साहब, एक लाइन में एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दीजिए, मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। अजहरी साहब ये चलिए फिलिस्तीन की बात करें, तौकीर रजा किसकी बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं सब्र जवाब दे जाएगा, वो कह रहे गली गली में खून बहेगा। असदुद्दीन अवैसी क्या बात कर रहे हैं? जो फैसला कोर्ट ने दिया उसको लेकर बार बार जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अजहरी जी प्लीज, आपके सामने आपके चैनल पर बैठ करके श्रीराज नायर जी बोल रहे हैं कि ये 2024 का हिंदू है, कैसे धमकी समझी जाए? बिल्कुल नहीं सर, क्यों धमकी समझेंगे? आप कुछ गलत कर रहे हैं, धमकी समझेंगे? अरे शिवराज जी और अजहरी जी, एक मिनट शांति से, एक मिनट एक मिनट अजहरी साहब, आप मेरे सम्मानीय मेहमान है, शिवराज जी भी सम्मानीय मेहमान है, मुझे लगता है कि सबको अपनी भाषा में मर्यादा रखनी चाहिए। शिवराज जी मुझे नहीं लगता है कि वो जो सलमान अजहरी साहब बोल रहे हैं उस तरह की भाषा बोलने का कोई मतलब है और अजहरी साहब आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बातें चल क्या रही हैं। आपको कम से कम लोगों की इंटेंशन को समझना और समझाना पड़ेगा क्योंकि आप तो शांति दूत है। मेरे साथ और भी दूसरे मेहमान है, कौन है? ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ कि सर पर्सनल रिश्तों पर नहीं आएंगे सर। शिवराज जी, शिवराज जी प्लीज, बैठे नहीं, प्लीज प्लीज इसराइल में सर कंडर डाउन कीजिए, दोनों का कंडर डाउन कीजिए, पर्सनल रिश्तों पर नहीं, इसराइल में पर्सनल रिश्तों पर आप बात नहीं कर पाएंगे। आई एम सॉरी, मान लो तुम इसराइल की नजर दौला दो, मान लो तुम्हें। अजहरी साहब प्लीज, अजहरी साहब कैसी बात कर रहे हैं आप ये? और शिवराज जी अरे प्लीज इनकी आवाज कम कीजिए, क्या बात कर रहे हैं आप जबरदस्ती की? अरे जाहिल लोगों को, ठीक है शिवराज जी प्लीज, हो गया प्लीज, व्यक्तिगत रिश्तों पर कोई नहीं आएगा। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, व्यक्तिगत रिश्तों पर कोई नहीं आएगा। सब हिंदू हैं, सब हिंदुस्तान में रहते हैं, सब इस देश के हैं, कोई किसी के व्यक्तिगत रिश्तों पर नहीं आएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। आप हाजी मेहरुद्दीन रंगने जी, मैं आपके पास आऊं बहुत जल्दी से, हमारे साथ साध्वी जी बैठी हुई हैं। साध्वी जी मुझे बताइए कि यहां पर फिलिस्तीन की बातें करने का कोई तुक बनता है क्या? और अगर इस तरह की बातें मान लीजिए फिलिस्तीन के लिए भी हो रही हैं, तो क्या ये देश में मुस्लिमों को भड़काने जैसा नहीं है? जब बार बार कुछ नेता लगातार मंदिर की बात करते हैं, बार बार मस्जिदों को छीने जाने की बात करते हैं, तो क्या उस सारे सर्कमस्टेंसेस में मौलाना सलमान अजहरी का बयान भड़काऊ नहीं लगता? क्या भड़काने जैसा नहीं लगता ये? देखिए अनुराग जी, बात ऐसी है कि देश के अंदर सकारात्मक वातावरण बना हुआ था चारों तरफ से, राम मंदिर के बाद एक पॉजिटिविटी देश के अंदर स्प्रेड हुई है, देश के अंदर ऊर्जा और उत्साह का माहौल है और कितने सारे धर्म संप्रदाय के लोग हैं, मुसलमान लोग भी हैं जो राम मंदिर बनने से खुश हैं, लेकिन ये लोग हैं जो सियासत करने से बाजी नहीं आते हैं। ये ओवैसी और ये जो मुफ्ती का बयान आया है, ये लोग मिले हुए हैं मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि यही सेम बयान, लगभग सेम बयान कुछ समय पहले ओवैसी ने भी दिया था। ओवैसी ने बोला कि जो देश के जो मुसलमान हैं वो लोग मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं, इसलिए देश का ये माहौल है, ये देश में रेडिकलाइजेशन फैलाने का काम कर रहे हैं, कट्टरता फैलाने का काम कर रहे हैं, देश के युवाओं को भड़का रहे हैं और फिर हिंदू मुस्लिम भी यही करते हैं। लेकिन अगर जब इन पर बात आती है तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम हम करते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं। एक बात बता दीजिए, फिलिस्तीन के मुस्लिमों से इसका क्या लेना देना? ये सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है। ये लोग
चाहते हैं भारत का माहौल खराब करना, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लग रहा। इन्होंने चैलेंज लिया है ना राम मंदिर पर, कोई राइट्स नहीं हुए क्योंकि ये लोग इस तरह के बयान दे रहे थे। अनुराग जी आपको याद होगा जब राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था तो इन्होंने कहा था देश का माहौल खराब कर देंगे, लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो देश का माहौल खराब नहीं हो पाया, तो इनको अब देश का माहौल खराब करना है। लेकिन इन्हें समझना होगा कि इनकी अब ये बातें नहीं चलेंगी। मैं सिराज नायर जी आपके पास आता हूं, अजहरी साहब मैं भी आपके पास आता हूं। हम लोग तो संदेश ही इस बात का देते ना कि हम लोग अनेकता में एकता के देश हैं, हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते हैं, तो हम लोग क्यों चर्चा में लौट रहे हैं, आपस में एक एक करके बात करते हैं ना। मैं अपने दूसरे मेहमानों के पास जाऊं, अजहरी जी 10 सेकंड में बताइए जो बातें यहां पर साध्वी प्रज्ञा जी उठा रही है। वो कह रही है कि आप मंदिर की जो कुंठाएं नहीं निकाल पाए, जो असामाजिक तत्व थे, इसलिए जानबूझकर भड़का रहे हैं, ये फिलिस्तीन की बातें नहीं हो रही। ऐसा नहीं है, जो गलत है वो गलत है। मौलाना की जबान जो चली है उस पर हमने भी कहा कि इस तरह के अल्फाज नहीं बोलना चाहिए, हमने कल ही बयान दिया। जो गलत है उसको उसको गलत ही कहा, लेकिन 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 सुन ले सुन ले सुन तो ले, मुझे तो बोलने का मौका दिया, आप बोली मैं नहीं बोला, आपने भी एक जुमला बोला था राम मंदिर बनने के बाद एक उत्साह थी, बहुत अच्छा माहौल था। हम पूछना चाहते हैं कि 700 साल पुरानी मस्जिद दिल्ली में तोड़ दी गई, शाम को ईशा की नमाज पढ़ी और फजर में वो गायब, बुलडोजर चल गया मदरसा और एक बुजुर्ग का आस्ताना भी चला गया, क्या कहेंगी आप इस पे? क्या ये अच्छा, मैं बता दूं आपको, बिल्कुल मेरे को जवाब देने दीजिए अजहरी साहब, रुकिए अजहरी साहब, वेट वेट वेट, जवाब देने दीजिए अजहरी साहब, सुनिए मेरी बात। जामा मस्जिद के जो मेन आपके इमाम है वो राम मंदिर में जाते हैं राम लल्ला के दर्शनों के लिए, उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। फतवा क्यों जारी किया आप लोगों ने उनके खिलाफ? उनको धमकियां आ रही है, ऐसे लोगों पर फतवा दीपा शर्मा जी भी हैं, मैं मेहरुद्दीन रंगरेज आपके पास आता हूं, फिर दीपा शर्मा जी आपके पास आऊंगा। रंगरेज साहब आपसे मैं कम से कम बहुत सौहार्दपूर्ण जवाब की उम्मीद करता हूं। ये जो तौकीर रजा कह रहे हैं कि भैया सब्र टूटेगा तो पैमाना अगर छलका तो बहुत कुछ हो जाएगा, ये क्यों क्यों डरा रहे और किसको डरा रहे हैं, कैसे डरा रहे हैं सर, ये आप बताइए थोड़ा समझाइए। ओवैसी कह रहे हैं कि हर मस्जिद नहीं खोने देंगे, अरे साहब कोर्ट में जाकर लड़ रहे हैं और कानूनी फैसला आ रहा है तब जाकर ये मस्जिद ये मंदिर मिल रहा है। मैं आ रहा हूं आपके पास, शिवराज जी आ रहा हूं आपके पास, और मुझे बताइए कि ये जो अब सलमान अजहरी साहब कह रहे हैं इसमें कहीं पर भी बचाव की गुंजाइश है क्या अजहरी साहब के बयान पर? नहीं, चौकी रजा साहब ने तो बिल्कुल सही बात कही कि एक मस्जिद हम खो चुके अपने बाबरी मस्जिद, जो कि 500 साल से वहां नमाज हो रही थी और मस्जिद को तोड़कर वहां पर आज भव्य मंदिर बन गया, और जो हमारे ज्ञान वापी और वहां पर जो पहले हिंदुओं का मंदिर था और हिंदुओं की आस्था मतलब उसका क्या? आपको 500 साल का लग रहा है, वो 500 साल के पहले के इतिहास की बात कौन करेगा? देखिए 500 साल पहले ना थे, ना तो आप थे ना मैं था, 500 साल पहले आप थे, संविधान था 500 साल पहले, देश का संविधान है नहीं, वो तो वहां पर मिसाल है ना, आपने देखी होगी 40-45 से लग रही है, अपने बुजुर्ग से 500 साल पहले की बात कर रहे हैं सबों के साथ, आपका कोई आपके बड़े बुजुर्ग होंगे उनसे पूछ लो वहां नमाज होती है। हाँ तो पांच जो बड़े बुजुर्ग धर्म ही नहीं था आपका, तो धर्म ही नहीं था, आप 500 साल पहले की जो बात कर रहे हैं, माफी चाहूंगी मुझे मेरी टर्न नहीं आई है लेकिन मैं बोल रही हूँ, जिन 500 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, आप अपना धर्म बताइए कौन से सन में आपका धर्म शुरू हुआ है, सनातन कितना पुराना धर्म है, ये बात कौन से राजा के समय की है, ये बात कौन से शासक के समय की है जो आप कर रहे हैं, ये जो मंदिर विक्रमादित्य ने वहां बनवाया था ये उस समय की बात है जब आपका धर्म था भी नहीं। दीपा जी एक मिनट मैं आ रहा हूं शिवराज जी आपके पास, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। रंगेश जी प्लीज जवाब दे दीजिए। नहीं ये सुन लीजिए, ये कैसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं, क्या ये लोग नहीं आते कानून के दायरे में? तीर राजा साहब, तीर राजा जो पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, अगर कोई मुसलमान बोल दे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, क्यों तीर राजा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई क्या? रंगेश साहब क्या हुई बताइए, मुसलमानों के खिलाफ धर्म संसद बुलाई गई और मुसलमानों को मारने काटने की बात कही, और बीजेपी के ये जो चीजें हो रही हैं, चाहे वो तौकीर रजा कर रहे हो, चाहे वो सलमान अजहरी कर रहे हो, चाहे ओवैसी जी कर रहे हो, ये ऐसा लगता है कि मानो मंदिर के निर्माण के बाद ज्ञानवापी में जो आया फैसला या सर्वे हुआ उसके बाद
या फिर 2024 को लेकर, ये सारी चीजें एक प्लांड तरीके से नजर आ रही है जानबूझकर। रंगेश जी देखिए, अनुराग भाई मैं एक बात बहुत अच्छे से बताने चाहूंगा कि पूरे देश का अमन चैन कौन खराब करना चाहता है। ऐसे संगठनों पर बैन लगना चाहिए, वीएचपी, बजरंग दल और RSS, ये पूरे देश का माहौल खराब करना। मौलानाओं पर बैन नहीं लगना चाहिए ना, मौलानाओं पर बैन नहीं लगना चाहिए, मस्जिदों में जो है बैन करने वाले। अरे आपकी संस्थाओं पर किसी ने बैन लगाया अभी तक? आपकी संस्था, आपके वक्फ बोर्ड पर किसी ने बैन लगाया अभी तक? आप कौन होते हैं कहने वाले कि बजरंग दल वाले अशांति फैलाते हैं? आपके तौकीर रजा कह रहे हैं इस बात को कि हमारा जो देश का कानून है हम उस पर भी विश्वास नहीं करते क्योंकि वो सरकार के इशारे पर काम करता है। आप अपने ही देश में रहकर अगर आप इस देश का पूरा देश कहते हैं, और फिर आप ये भी कहते हैं कि हम इस देश के कानून पर विश्वास नहीं है। प्लीज 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 ओवरलैप मत कीजिए, एक मिनट मेहरुद्दीन रंगेश, पहले तो एक महिला से बात करने की तमीज सीखिए। सॉरी टू से आपके साथ इतनी चर्चाओं में बैठे, ये प्लीज मत कीजिए। कहां आप लोग अपनी शालीनता खो देते हैं? नहीं, वो अपना परिचय दे रहे हो आप, अगर कुछ गलत बोलते हो वो आप अपना परिचय दे रहे हो। आपके पास मेहरुद्दीन रंगेश कंक्लूड कीजिए अपनी बात को, सुराज नायर जी के पास जा रहा हूं मैं। मेहरुद्दीन रंगेश प्लीज, बात करेंगे उतनी आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप बोलिए। ठीक है, हमें प्रमोशन लेके कहीं नहीं जाना है ना, हम किसी चीज से जुड़े हैं। सुराज नायर जी के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सुराज नायर जी, वीएचपी पर बैन लग जाए, बजरंग दल पर बैन लग जाए, मौलाना खुला बोलते रहे, सुराज नायर जी। सर तन से जुदा नारा देकर के पूरे विश्व में आतंक फैलाने वालों पर बैन नहीं लगना चाहिए, ये उनको तो कभी विरोध करेंगे नहीं। 4000 किलोमीटर पैलेस्टीन में जहां पर हमास के आतंकियों ने चमगादड़ों और गिद्धों की तरह आकर के निहत्ते लोगों को, औरतें और बच्चों को मार दिया, उनका विरोध नहीं करेंगे। औरतों को नंगी कर करके परेड कराया, उनका विरोध नहीं करेंगे। उन मुल्ला मौलानाओं आतंकियों को ये समर्थन करेंगे। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो राष्ट्रीय समर्थन है, जो सेवा संस्कार का काम करेंगे, उनको बैन करवाएंगे। ये इनके तरीके हैं। देखिए, ये देश जो चलता है न्याय प्रणाली से चलता है। यहां पर ये देश जुडिशियल प्रोसेस के लिए जाना जाता है। प्रॉब्लम क्या है, ये मदरसों में पढ़ने वाले साइंस टेक्नोलॉजी और लॉ वगैरह के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं। आ रहा हूं आपके पास, कसाब कराची से आया था बोट में बैठ करके, यहां पे आकर के निहत्तों को मारा, लेकिन उसको भी ट्रायल का मौका दिया। अफजल गुरु ने सबके सामने ऑन एयर निहत्तों और निर्दोषों को मारा, उसको भी ट्रायल का मौका दिया। आज मंदिर का जजमेंट आया, वो कोर्ट के थ्रू आया, ज्ञान वापी कोर्ट के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे इनको जुडिशियल और जुडिशियल प्रोसेस, लेकिन सर का सरकार नहीं के शासन काल में बार बार बताने की कोशिश करेंगे कि हम लोग दबे कुछ नहीं, कुछ भी करेंगे। नायर जी, नरेंद्र मोदी के शासन काल में बताने की कोशिश है कि देखिए साहब कितने जुल्म हो रहे हैं हम पर। देखिए, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें। भारत में जितना मुस्लिम सुरक्षित है, जितना इंसानों की तरह जी रहा है, उतना कहीं भी नहीं जी रहा है। ये पाकिस्तान बना है, लगातार आपके पास। दीपा शर्मा जी, पूर्वजों का सम्मान करो, ठीक है? तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, ठीक है? दीपा शर्मा जी, ठीक है? अरबी नहीं थे, ओके, ठीक है? रंगेश साहब ठीक है, प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मेहरुद्दीन रंगेश जी प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, प्लीज। हाँ दीपा शर्मा जी, लेकिन ये जो बयानों की लड़ियां और एक बयानों की लड़ियां, क्या ये 2024 के लिए हो सकती है? क्या मुस्लिम वोट बैंक को एक तरफा पोलराइज करने के लिए, नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध करने के लिए ये सब कुछ प्लांड तरीके से होता है? महिला से बात करने का तरीका नहीं है। जब विपक्ष ने आने से रंगेश जी शांत प्लीज राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने से मना किया, उस समय कुछ मुस्लिम भाई ऐसे भी थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया और ये कहा कि इतना बड़ा सौहार्द का काम और इतने वर्षों के बाद ये काम हो रहा है, तो जो कांग्रेस की सरकार में थे या जो कांग्रेस के, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं किसी की टर्न में नहीं बोली, इन्हें बोलने दीजिए। तो उन्होंने ये कहा, उस मुस्लिमों ने भी ये कहा कि सरकार का या विपक्ष का ये बहुत गलत कदम है, उन्हें वहां जाना चाहिए था और हम इसमें उनका अभिनंदन करते हैं, मोदी सरकार का, कि उन्होंने ये इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया। जो सच्चे मुसलमान हैं, जो सच्चे भारतीय हैं, मैं सबसे पहली बात ये कहूंगी, अगर आप भारत देश में रहते हैं तो आपको ये परिचय देना चाहिए कि हम इस देश के कानून का सम्मान करते हैं, हम इस देश की हर जो कानून प्रणाली है उसका सम्मान करते हैं या उसका जो भी ऑर्डर आता है उसका सम्मान करते हैं। आपके तौकीर रजाई इस बात का समर्थन, ये बात कहते हैं कि
जो ज्ञानवापी पर फैसला आया है वो सरकार के दबाव में कोर्ट ने दिया है। जब आप इस देश के कानून पर भी सवाल उठा रहे हैं, आप इस देश की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप इस देश की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये जो हो रहा है दीपा जी, मैं चाहूंगा एक संक्षेप रिएक्शन आप इस पर दे दीजिए। ये जो हो रहा है, क्या ये मुस्लिम वोट बैंक पर बिल्कुल पकड़ जो ढीली हो रही है उसकी वजह से डर बैठा कर ये सिर्फ वोट बैंक खींचने की कोशिश है? 2024 के सारा ये जो फंडा इन्होंने बनाया है, ये सब इसीलिए बनाया हुआ है कि एक प्लान तरीके से हर मुसलमान को भड़काने के लिए, और जो पढ़े लिखे नहीं है वही भड़केंगे, इनको पता है। वरना जूनागढ़ में जो ये भाषण दिया जा रहा है कि काफिरों ये मत समझना कि हम चुप बैठे हैं, जब ये शांति भंग होगी या जब ये चुप्पी टूटेगी तो बहुत कुछ होगा, तो ये डायरेक्ट धमकी तो दे रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो अजहरी साहब, अगर ये धमकी आप गैर मुस्लिम कोई दे दे तो उस पर कार्रवाई हो जाए, बीएसपी पर बैन लग जाए, बजरंग दल पर बैन लग जाए, लेकिन जो मौलाना सीधे तौर पर अंजाम भुगतने की धमकी मंच से दे देते उन पर बैन नहीं लगना चाहिए? उन मौलानाओं का समर्थन करेंगे हमारे साथ बैठे बुद्धिजीवी लोग, ऐसा है क्या? दीपा शर्मा जी, जिस तरह से अभी आपने बताया, बहुत सारे मुस्लिम लोग जो थे वो अयोध्या में जो बन रहे मंदिर का समर्थन कर रहे थे, वो मुसलमानों को नसीहतें कर रहे थे। इसी तरह से जब मस्जिद टूटी थी और जब फैसला आया था, जब मंदिर बनने के लिए जा रहा था, बहुत सारे हिंदू मंदिर बनने का भी कर रहे थे विरोध और मस्जिद टूटने का भी किया था विरोध। उन हिंदू भाइयों को भी कभी चैनलों पर लेकर के आइए, सुनवाई हमने। दूसरी बात, मौलाना ने जो कहा है, मैंने मौलाना की बात का समर्थन नहीं किया, यही कहा कि मौलाना ने जिसके लिए बोला हो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं कम से कम सपोर्ट करता हूं कि आप अगर कंडेम कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छी चीज है, इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई अनुराग भाई सुन तो नहीं, मेरा जो दर्द है उसे आप सुन लें। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से मौलाना पर कार्रवाई हुई, मौलाना को उठाया गया, ऐसे ही जो लोग रात और दिन इस्लाम और मुसलमानों पर बोलते हैं, जहर उगलते हैं, त्रिपुरा में रैलियां निकालकर हमारे नबी को गाली दी गई, मस्जिदों में आग लगा दी गई, किसी पर साफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा 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 मेरी शिकायत यह है आपसे बार बार, आपके देवी देवताओं के बारे में किसी मुसलमान ने कुछ ना कहा है ना कोई कहे, चूंकि हम किसी मजहब पर उंगली नहीं उठाते। ये काम आपका है, आग ये आग लगाने का काम आपका है, हिंदू परिषद का है, आप जैसे लोगों का है, जहर उगलते वोट करते चैनलों पर मुसलमानों का काम करता है। कोई सरतन से जुदा नहीं, आपने जय श्री राम का नारा लगा करके मुसलमानों को ट्रेनों में मारा है, आपने नरेंद्र मोदी जी का नारा लगा के आपने ट्रेनों में कत्ल किए हैं, ठीक है? आपको याद नहीं है क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, एक मिनट, ठीक है, लेकिन अजहरी साहब प्लीज ओके, आप चालू कर गया जी, लेकिन अगर अजहरी साहब चूंकि हमारे देश के नागरिक हैं, वो हमारे भाई बंधु हैं वो, और अगर उनकी ये शिकायत है कि भैया हमारे देवी देवताओं पर कटाक्ष या टिप्पणी क्यों, तो शायद इन शिकायतों पर भी बात होनी चाहिए। किसने किया? अनुराग जी सुनिए मेरी बात, अजहरी साहब बीच में मत बोलिए प्लीज, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा, आप बोलने दीजिए, सुनिए बात। अनुराग जी, हमारे देवी देवताओं पर खुलकर टिप्पणी होती है, सही तो कह रहे हैं श्री राज जी। अरे आप वो दिन भूल गए जब सलमान चिश्ती ने क्या बोला था अजमेर शरीफ के, उनके पूरे खानदान ने क्या बोला था हमारे देवी देवताओं पर, हमारे वराह अवतार का अपमान किया उन लोगों ने, वो दिन कैसे भूल सकते हैं? सर तन से जुदा कर दिया कन्हैया कुमार का, जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम लल्ला विराजमान हुए 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद, उस दिन को इन लोगों ने काला दिन कहा है भारतीय इतिहास में। ये लोग बात करते हैं सौहार्द और सद्भावना की और आस्था की, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? राम मंदिर बन गया, इनके अंदर कुंठाएं हैं, देश एक संवेदनशील माहौल से गुजर रहा है, और अब ज्ञानवापी भी बनेगा, इनकी आंखों के सामने और मथुरा भी लेंगे, हिंदू भूमि है, अगर इन तरीके के बयान बोलना बंद नहीं करेंगे रंगेश साहब क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं को या हिंदू धर्म को तो टारगेट बहुत पहले से किया जाता रहा है, किसी ने नहीं किया। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा अनुराग भाई, कि मुसलमान कभी भी देवी देवताओं के बारे में बुरा नहीं कहते, क्योंकि हमारे पैगंबर साहब ने भी कहा था
कि किसी के भगवान के बारे में गलत शब्द का गलत शब्द नहीं कहने चाहिए और हम नहीं कहते। अगर कोई इस बात इस तरीके की कोई बात करता है अच्छा मुझे एक बात बताइए रंगेश भाई, नहीं करनी चाहिए मगर जब हमारे साथी से आपसे पूछता हूं ये कोई ताकत है क्या जानबूझकर जो देश में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी, कोई ताकत है क्या? कड़ी निंदा करते हैं। देखिए ये सारी ताकतें आज हिंदुत्व की जो राजनीति हो रही है देश में वो पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, पूरे देश का ताना बाना खत्म कर देना चाहते हैं, आपस में जो है भाईचारा खत्म कर देना चाहते हैं, वो चाहते हैं इसी तरीके से पोलराइज हो जाए और लोग बढ़ जाए हिंदू हिंदू में मिल जाए। एम फैक्टर को लेकर जो सियासत होती है और एक पर्टिकुलर वोट बैंक को जो साधने की कोशिश होती है वो देश में छिपा नहीं है, तो सियासत कौन किस धर्म पर कैसे कर रहा है ये मत बताइए। यहां पर मुस्लिमों के नाम पर AIMIM पूरी पार्टी बनी हुई है और जो चल रही है, मुस्लिम लीग पूरी पार्टी बनी हुई है चल रही है, तो मुस्लिमों के नाम पर सियासत कौन कर रहा है? शिवसेना भी बनी हुई है। शिवराज जी बहुत बहुत माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, इतनी ही इजाजत देता है वक्त। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार।